एक बड़ी खबर, ये तस्वीरें आप देखिए, जिस जगह पर कई लोगों की जान चली गई, वायनाड, केरल में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वायनाड में उन्होंने हवाई सर्वे भी किया और उसके बाद अब उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर लैंडस्लाइड हुआ था, कई लोगों की जान चली गई थी। अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है, बहुत से लोग वहां पर दब चुके थे जिनको बचाने की कोशिश की गई। अब यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं, केरल में लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा कर रहे हैं और वहां पर जाकर अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। आर्मी के जवान जिन्होंने वहां पर मोर्चा संभाला, जिन्होंने कई लोगों को अपनी जान पर खेल कर बचाया, आर्मी के जवानों से, आर्मी के अधिकारियों से वहां की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर किया गया, क्या और बेहतर काम किए जा सकते हैं, उन पर विचार विमर्श यहां पर किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन वहां पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सभी से बातचीत करते हैं। यही वो जगह है जहां तबाही का एक ऐसा मंजर देखा गया कि पूरा देश सहम उठा। केरल का वायनाड, कई लोगों की जान चली गई, कई परिवारों में मातम पसर गया, कई परिवारों ने अपनों को खो दिया। यही वो जगह है, यही वो तस्वीरें हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां पर हैं। हालांकि आज राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री का आभार जताया था यहां पर पहुंचने के लिए और यहां पीड़ितों को हर संभव मदद मुहैया कराने के लिए सरकार की तरफ से कदम भी उठाए गए हैं। जहां पर तबाही आई वहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इस क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं और रेस्क्यू टीम में जो लोग जुटे हुए थे उन लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बातचीत की जा रही है कि कैसे ये लैंडस्लाइड हुआ, क्या चुनौतियां यहां पर आई जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, कैसे इसे और बेहतर किया जा सकता है, कैसे वहां पर सुविधाएं मुहैया कराई गई, जान लोगों की कैसे बचाई गई, ये सारे सवालों की चर्चा की जा रही है, बात की जा रही है। देखिए 400 से ज्यादा मौत यहां पर हुई थी, 400 से ज्यादा मौत। हिमाचल में भी तबाही आई थी, केरल में भी तबाही आई, केरल की वायनाड में ही तबाही आई, 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 30 जुलाई 2024 वो दिन जिसे हमारा देश नहीं भुला सकता। ऐसी भयानक आपदा, ऐसा भयानक मंजर जिसे देख हर कोई सहम गया। बकायदा यहाँ पर जो आर्मी के ऑफिसर हैं, जो सेना के अधिकारी हैं, वो हर एक स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोगों ने किया था, लोग कैसे दबे हुए थे, उनको बचाने में कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, कैसे मुश्किल करनी पड़ी, मौसम कैसे चुनौती बना, जो रास्ता था मिट्टी थी, कीचड़ थी, ये कैसे चुनौती बनी, कैसे वहाँ पर अस्थाई पुल का निर्माण किया गया, कैसे वहाँ रस्सियों के सहारे लोगों को रेस्क्यू किया गया, कैसे वहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों को हटाया गया, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे बड़े बड़े बोल्डर वहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, ये बोल्डर पहले नहीं थे, ये लैंडस्लाइड के साथ ये बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पर आए हैं। पहले हवाई सर्वे किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये देखिए, ये वो तस्वीर देखिए, ये लैंडस्लाइड से पूरा इलाका बर्बाद हो गया, पूरा इलाका ये बर्बाद हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हेलीकॉप्टर में थे उस वक्त वो अपने टैब में वो तस्वीरें भी देख रहे थे और ऊपर से भी देख रहे थे कि क्या हालात यहां पर हुए, और अब जमीनी सर्वे उस जगह पर मौके पर खुद पहुंचे हैं, जानकारी ले रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, केरल के वायनाड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालात बड़े भयावह थे जिसका सामना हमारी आर्मी ने, एनडीआरएफ के जवानों ने, एसडीआरएफ के जवानों ने डट कर किया। आपदा आई उस वक्त नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर लोगों को बचाने की कोशिश की। एक हरा भरा क्षेत्र जो पूरी तरह से बाढ़ में आके बर्बाद हुआ, तबाही की विभीषिका पूरे देश ने देखी, वायनाड ने देखी। एक बड़ी खबर, ये तस्वीरें आप देखिए, जिस जगह पर कई लोगों की जान चली गई, वायनाड, केरल में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वायनाड में उन्होंने हवाई सर्वे भी किया और उसके बाद अब उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर लैंडस्लाइड हुआ था, कई लोगों की जान चली गई थी। अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है, बहुत से लोग वहां पर दब चुके थे जिनको बचाने की कोशिश की गई। अब यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं, केरल में लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा कर रहे हैं और वहां पर जाकर अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। आर्मी के जवान जिन्होंने वहां पर मोर्चा संभाला, जिन्होंने कई लोगों को अपनी जान पर खेल कर बचाया, आर्मी के जवानों से, आर्मी के अधिकारियों से वहां की स्थिति का जायजा ले रहे हैं।
कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर किया गया, क्या और बेहतर काम किए जा सकते हैं, उन पर विचार विमर्श यहां पर किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन वहां पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सभी से बातचीत करते हैं। यही वो जगह है जहां तबाही का एक ऐसा मंजर देखा गया कि पूरा देश सहम उठा। केरल का वायनाड, कई लोगों की जान चली गई, कई परिवारों में मातम पसर गया, कई परिवारों ने अपनों को खो दिया। यही वो जगह है, यही वो तस्वीरें हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां पर हैं। हालांकि आज राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री का आभार जताया था यहां पर पहुंचने के लिए, और यहां पीड़ितों को हर संभव मदद मुहैया कराने के लिए सरकार की तरफ से कदम भी उठाए गए हैं। जहां पर तबाही आई वहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इस क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं, और रेस्क्यू टीम में जो लोग जुटे हुए थे उन लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बातचीत की जा रही है कि कैसे ये लैंडस्लाइड हुआ, क्या चुनौतियां यहां पर आई जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, कैसे इसे और बेहतर किया जा सकता है, कैसे वहां पर सुविधाएं मुहैया कराई गई, जान लोगों की कैसे बचाई गई, ये सारे सवालों की चर्चा की जा रही है, बात की जा रही है। देखिए 400 से ज्यादा मौत यहां पर हुई थी, 400 से ज्यादा मौत। हिमाचल में भी तबाही आई थी, केरल में भी तबाही आई, केरल की वायनाड में ही तबाही आई, 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 30 जुलाई 2024 वो दिन जिसे हमारा देश नहीं बुला सकता। ऐसी भयानक आपदा, ऐसा भयानक मंजर जिसे देख हर कोई सहम गया। बकायदा यहाँ पर जो आर्मी के ऑफिसर हैं, जो सेना के अधिकारी हैं, वो हर एक स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोगों ने किया था, लोग कैसे दबे हुए थे, उनको बचाने में कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, कैसे मुश्किल करनी पड़ी, मौसम कैसे चुनौती बना, जो रास्ता था मिट्टी थी, कीचड़ थी, ये कैसे चुनौती बनी, कैसे वहां पर अस्थाई पुल का निर्माण किया गया, कैसे वहां रस्सियों के सहारे लोगों को रेस्क्यू किया गया, कैसे वहां पर बड़े बड़े पत्थरों को हटाया गया, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे बड़े बड़े बोल्डर वहां पर आपको नजर आ रहे हैं, ये बोल्डर पहले नहीं थे, ये लैंडस्लाइड के साथ ये बड़े बड़े बोल्डर यहां पर आए हैं। पहले हवाई सर्वे किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये देखिए, ये वो तस्वीर देखिए, ये लैंडस्लाइड से पूरा इलाका बर्बाद हो गया, पूरा इलाका ये बर्बाद हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हेलीकॉप्टर में थे उस वक्त वो अपने टैब में वो तस्वीरें भी देख रहे थे और ऊपर से भी देख रहे थे कि क्या हालात यहां पर हुए, और अब जमीनी सर्वे उस जगह पर मौके पर खुद पहुंचे हैं, जानकारी ले रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, केरल के वायनाड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालात बड़े भयावह थे जिसका सामना हमारी आर्मी ने, एनडीआरएफ के जवानों ने, एसडीआरएफ के जवानों ने डट कर किया। आपदा आई उस वक्त नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर लोगों को बचाने की कोशिश की। एक हरा भरा क्षेत्र जो पूरी तरह से बाढ़ में आके बर्बाद हुआ, तबाही की विभीषिका पूरे देश ने देखी, वायनाड ने देखी,